यूट्यूबर बहुत सारे हैं। यूट्यूबर्स आते हैं? जी। अच्छा, वीडियो बनाते हैं आपके पास आके? जी, हमारा मेकअप इतना ही फेमस है। दीदी, इसको ब्लेंड तो करो, आप ही तो ब्लेंड ही नहीं हुआ है अभी। अरे कर रहे हैं हम, सबर रखें। दीदी, लिपस्टिक छूटेगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगी लिपस्टिक। आप चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वाटर प्रूफ है। बहुत लिपस्टिक वाटर प्रूफ है बेटी, वाटर प्रूफ देख लो कितनी वाटर प्रूफ। कॉन्टोर नहीं किया आपने? नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा, कॉन्टोर करने से वो शेप नहीं आएगी। अच्छा, 1000 रुपीज। जी 700 कर लो ना आप। जी नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले बताया था प्राइस। हाय जानू, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग। सर, मैं हूँ आप सबकी प्यारी करा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे तो आप लोग हुई। सो जानू, फाइनली आज आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो आ ही चुकी है। कब से आप मुझे रिक्वेस्ट करे हो कि दीदी इकरा एक वॉश मेकअप वीडियो लेके आओ ना, कितना टाइम हो गया आप लेके नहीं आ रहे हो। तो फाइनली आज ये मेरी वॉश मेकअप वीडियो आ ही रही है। तो मैं, हाँ जी, मैं आई हुई हूँ अपनी नानी के घर पर और मैं करवाने वाली हूँ आज ब्यूटी पार्लर में मेकअप, और वो भी मैं अपनी नानी की साइड करवाने वाली हूँ। मुझे मेरे एक कज़न ने बताया कि एक ब्यूटी पार्लर है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ, वहाँ पे अपना मेकअप करवाने वाली हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरा मेकअप कैसा होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हल्दी वॉश मेकअप दीदी के पास मैं वहाँ पे जाके अपना हल्दी मेकअप करवाने वाली हूँ, एंड उन्हीं से मैं अपना ब्राइड मेकअप भी करवाने वाली हूँ। यस गाइस, मैं उनसे अपना दो मेकअप करवाने वाली हूँ। सो चलो जानो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आईडी यहाँ शोर होगी, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। तो या वीडियो के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दीदी कहाँ बैठूं? अरे यहाँ पे बैठ जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। दीदी मुझे ना ऐसा मेकअप चाहिए। जी ठीक है, हो जाएगा ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। देखो, उनका आउटफिट मेरा आउटफिट चेंज है, बट मुझे सेम ऐसा ही चाहिए। जी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो दीदी ऐसा कर दो, थोड़ा जल्दी करना, मुझे मेरे फंक्शन के ना लेट हो जाएगा। जी जितना टाइम लगता उतना तो लगेगा ही। हाँ, फिर भी आप कोशिश करना। हाँ जी, दीदी का कॉन्फिडेंट देख के तो लग रहा है हाँ वो मेरा अच्छा मेकअप करेंगी। दीदी क्या कर रहे हो ये आप? जी मैं फेस क्रीम कर रही हूँ, बाहर से आयो पॉल्यूशन रहता। अच्छा, बात तो सही है दीदी की, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसा ही हर मेकअप आर्टिस्ट को करना चाहिए। दीदी ने बहुत अच्छे से मेरा फेस को यहाँ पे क्लीन करा है, उसके बाद दीदी ने यहाँ पे शुरू कर दिया कंसीलर लगाना। कंसीलर की क्वांटिटी जो लगाई है दीदी ने, इतनी भर भर के लगाई है कि वो ब्लेंडर से भी ब्लेंड नहीं हो पा रही है, कि इतनी क्वांटिटी हो गई है। उसके बाद दीदी ने मेरे कंसीलर को सेट किया, उन्होंने सिर्फ पंचेज मारे है, मेरी आंखों पे सेट नहीं करा, इतना ज्यादा पाउडर लगा दिया वो मेरी आंखों के अंदर भी चला गया। उसके बाद दीदी ने आई मेकअप करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दीदी ने लिया है यहाँ पे शिमर शेड, उसको मेरी आंखों पे लगाया पर्पल कलर का। फिर दीदी ने क्या करा है, सेम उसी ब्रश को लिया है, क्लीन भी नहीं करा, उसी ब्रश को लेके पिंक शिमर लेके उसे भी मेरी आंखों पे लगा दिया। ये चीज मुझे समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट की ये क्या करना चाह रही है दीदी। दीदी ने सब कुछ वैसे वैसे कर दिया है। फिर लिया है सेकंड ब्रश, उस पे लिया है येलो शेड, मेरे इनर कॉर्नर पे लगाया, ब्रश से नहीं लगा तो फिंगर से लगा दे। चलो कोई बात नहीं, फिंगर से हम भी करते हैं, लगा देते हैं फिंगर से। बट भाई जो लगा रही थी एक ही जगह धक 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 कर रही है, वो लगा नहीं रही है भाई, वो मार रही है मेरे। उसके बाद ग्लिटर लिया, वो मेरे मिडल ऑफ द आई पे चिपका दी और इस तरह लगाया ना, बता रही इतना मैसी मैसी दीदी ने कर दिया कि वो ऊपर भी लग गई है, फिर वो साफ भी नहीं हो पा रही है, बहुत मैसी मैसी दीदी ने मेरा आई मेकअप करा है यहाँ पे। दीदी इसे साफ कर देना। दीदी को साफ करने के लिए बोला तो दीदी तो यहाँ पे इरिटेट ही हो गई। अब आती है फॉल्स आईलैशेस लगाने के बारे, सच में ये ट्रू है कि दीदी को नहीं आता है फॉल्स आईलैशेस लगाना, यहाँ आप खुद देख सकते हो किस तरह फॉल्स आईलैशेस लगा रही है मेरे। मैं उनको बता रही हूँ कि दीदी इस तरह करके लगाओ, जब जाके वो लग जाएगी। दीदी को खुद से आईलैशेस लगानी नहीं आ रही है, कड़ी मेहनत करने के बाद दीदी ने यहाँ मेरे आईलैशेस लगा दी है, फिर भी उन्होंने वो सही नहीं लगाए, वो मुझे खुद से थोड़ी बहुत ठीक करनी पड़ी है, मैंने उनको ज्यादा टोका नहीं। दीदी आईलैशेस का अलग तो चार्ज नहीं है? नहीं, उसी में है। अच्छा ठीक है। मुझे समझ नहीं आया दीदी इतनी लेजी क्यों है यहाँ पे, मतलब इतना धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे करती है वो, और इतना लगता है कि जिसे उनको कष्ट लग रहा है बोलने में। उसके बाद इन्होंने मेरे लगाए यहाँ पे लाइनर, वो भी फैला फैला के लगाए, अभी आपको मैं दिखाऊंगी उन्होंने किस तरह मेरे यहाँ पे लाइनर लगाया, पूरी गर्दन ऊपर मोड़ दी उन्होंने मेरी और लगाने में लगी बड़ी, एक ही जगह घिसे जा रही है। अब आप देख सकते हो एक आंख का लाइनर मेरे कैसा लगा हुआ है और दूसरी आंख का मेरे लाइनर यहाँ पे कैसा लगा हुआ है। दीदी क्या कर रहे हो आप? बेस पे काम करने वाले हैं। अच्छा ठीक है दीदी, लो दीदी कह दीजिए आप। थोड़ा हाथ साइड में करें। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वैसे आपको वीडियो बना रही हूँ मैं। नहीं क्या ही कर सकते हैं, हमारा तो एक काम ही है मेकअप करना।
करना तो पड़ेगा ही जी, आते हैं यूट्यूबर बहुत सारे हैं। अच्छा यूट्यूबर्स आते हैं जी? अच्छा वीडियो बनाते हैं आपके पास आके? जी हमारा मेकअप इतना ही फेमस है। अच्छा तो आप उनकी वीडियोस देखते हो? जी नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा पर मैं YouTube पर नहीं डालती दीदी, ये तो मैंने बस ऐसे बना लिया है फ्यूचर के लिए कि हाँ दिखाने के लिए। बस तुम्हारा काम तो मेकअप करना। अरे वाह दीदी के पास यूट्यूबर्स आते हैं वीडियोस बनाने, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है। अच्छा हुआ दीदी उनकी वीडियोस नहीं देखती है और मेरी भी नहीं देखेंगी। उसके बाद दीदी ने यहाँ पे लगाया मेरे ऑरेंज कलर करेक्टर, ये ऑरेंज तो नहीं लग रहा, पता नहीं यार अजीब सा ही कुछ लग रहा था मेरे, और इतना भर भर के दीदी ने मेरे यहाँ पे लगाया कि वो जब वो ब्लेंड कर रही है ना वो ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा है, वो बेचारी एक ही जगह लगी पड़ी है करने में, और वो इस चीज से मुझे इतना इरिटेट हो रहा था ना उस टाइम पे, बस दीदी रगड़े ही जा रही है। और मुझे उनको बोलने में भी डर लग रहा था कि दीदी इसको थोड़ा सा कम कर लो। दीदी इसको ब्लेंड तो करो आप, ये तो ब्लेंड ही नहीं हुआ है अभी। अरे कर रहे हैं हम, सबर रखें। दीदी को लगा था कि ये ब्लेंड हो चुका है, बट जब मैंने बोला ना उन्होंने तब जाके मेरे ब्लेंड करा, वो हुआ नहीं। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे वेट वाइप्स दिए, मैंने इसको क्लीन करा, इतना ज्यादा लग गया था ना प्रोडक्ट, फिर मैंने करा चाहिए तो उन्होंने पूरा ही क्लीन कर डाला यहाँ पे कि ये बहुत ज्यादा हो गया अब इसको हम कम कर लेते हैं। देखो आप कितना सारा उन्होंने तो भर के लगाया है मेरे, कि उसकी वजह से ना इतना एक तो रगड़ रगड़ के लगा रही हो, फिर उसके बाद साफ भी कर रही ना तो इतने ज्यादा जलन मच रही थी ना मेरे फेस पे। अब आते हैं यहाँ पे फाउंडेशन की बारी। अब दीदी ने क्या करा है, फाउंडेशन तो इनसे निकल नहीं रहा था तो उन्होंने हाथ पे निकाल के फिर उन्होंने मेरे फाउंडेशन लगा दिया अपने दो दो फिंगर से भर भर के, और वो भी मेरे शेड का रही था इतना वाइट वाइट। उसके बाद दीदी ने क्या करा है, ब्लेंडर होता है उसको वाटर से अच्छे से क्लीन करा, पर उसके अंदर पानी ही भरा हुआ था, सच बता रही हूँ पानी इतना भरा हुआ था ना उसके अंदर कि फाउंडेशन के अंदर ना पैचेस पड़ने लगे थे। फिर उन्होंने मेरे यहाँ पे फाउंडेशन लगाया भर भर के, मुंह से मार मार के दीदी ने यहाँ पे मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड करा कि नेक और फेस दोनों ही अलग अलग रहे। उसके बाद आती है इसको सेट करने की बारी। दीदी तो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है, सेट कर रही है, मुझे मार रही है, मुझसे पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है करना क्या चाह रही है, इतने ज्यादा जोर जोर से वो सब कुछ रगड़ने में लगी पड़ी है। दीदी तो मेरे मुंह के अंदर तक कॉम्पैक्ट घुसा रही है, नाक के अंदर कॉम्पैक्ट घुसा रही है, पूरे नेक को इधर से उधर रगड़ने में लगी हुई है। मुझे ऐसे लगा अभी दीदी इसको साफ करेंगी मेरे कॉम्पैक्ट को, बट यहाँ तो उन्होंने बोला कॉम्पैक्ट लग चुका है, और अब कर रही है वो मेरे आईब्रो। आईब्रो इतनी वाहियात फिल कर रही है भाई, शिनचैन से भी ज्यादा वाहियात हो गई। उनको देख देख के मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है ना। लव लैश लाइन पे दीदी ने मेरे यहाँ पे कलर जो लगाया वो मेरी आंखों के अंदर भी चला गया, क्योंकि दीदी प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा ले लेके लगा रही है। उसके बाद ब्लैक काजल लगाया दीदी ने मेरे, उन्होंने बोला आप पकड़ो मैं लगाती हूँ उसके अंदर, एक ही जगह घिसे जा रही जिससे मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद ब्लश लगाया इतना ज्यादा भर भर के, अभी आपने देखा होगा मेरा हाथ और मेरा फेस कितना अलग, कितने डिफरेंस है दोनों में। उन्होंने यहाँ पे मेरे एशियन पुट्टी कर दी है दीदी ने, यहाँ पे ब्लश लगाया उन्होंने मेरे बहुत सारा भर भर के। उसके बाद दीदी लगाती है यहाँ पे मेरे हाइलाइटर, ब्लश भी मैंने खुद से क्लीन करा क्योंकि वो इतना ज्यादा हो गया था ना। उसके बाद हाइलाइटर लगाया, हाइलाइटर की क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा मुझे समझ जा रही कि उन्होंने क्या सोच के इतनी मेरे क्वांटिटी लगाई है ना। अब दीदी ने हाइलाइटर सिर्फ मेरे लगाया नोज और मेरे चीक्स पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो बेस है बहुत ज्यादा फट चुका है, केक ही हो रहा है बहुत ही ज्यादा, अगर मैं एक हाथ लगाऊंगी ना सारा बेस मेरा निकल के आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने मेरी ये पिंक लिपस्टिक लगाई, बहुत गंदा कलर है भाई, बहुत गंदा कलर है। मेरे लिप्स में इतना ज्यादा फाउंडेशन लग रहा था जिसको दीदी ने क्लीन नहीं करा, तो उसी वजह से लिपस्टिक भी नहीं लगी। दीदी लिपस्टिक छूटेगी तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं छूटेगी लिपस्टिक, आप चाहे कुछ भी खा ले कुछ भी कर ले, तो वाटर प्रूफ है। अच्छा दीदी की लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत लिपस्टिक वाटर प्रूफ है, बट ये वाटर प्रूफ देख लो कितनी वाटर प्रूफ है। हाँ मेरा मेकअप हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने सेटिंग स्प्रे लगाया इतने पास पास से जो इतना जल रहा था आंखों में चला गया था वो मेरे पूरी, आप देख सकते हो यहाँ पे। हो गया दीदी मेकअप? जी हो गया। कॉन्टोर नहीं किया आपने? नहीं ऐसे अच्छा लगेगा, कॉन्टोर करने से वो शेप नहीं आएगी। अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं रोऊं या यहाँ पे मैं हंसूं। दीदी ने यहाँ पे मेरे को ज्वेलरी पहनाई, उन्होंने मेरे हेयर स्टाइल बांधा है, एक जो नॉर्मल हेयर स्टाइल होता है ना उन्होंने सिर्फ वो ही बांधा, कोई भी उसमें उन्होंने मेरे मशीन वगैरह यूज नहीं करी है। यहाँ पे दुपट्टा वगैरह सेट किया जिसकी पिन वगैरह सारी ऊपर दिख रही थी। पेमेंट कैसे करेंगे? कैसे करना है, कैश करना है या ऑनलाइन करना है? जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और कितनी करनी है दीदी?
1000 रुपीज। दी 700 कर लो ना आप। जी नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले बताया था प्राइस। चलो ठीक है, ऑनलाइन कर दूँ मैं? दीदी को उनकी पेमेंट की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, तो इसलिए उनकी मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। दीदी देखो जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। एंड कल कितने बजे तक आऊँ? जी आपको लाइक सुबह तक आ जाना, 8-9 बजे। मेरा रात में है ना मेरी शादी, तो एक बजे तक आ जाना। 1 बजे तक हो जाएगा जब तक? 1-2 घंटे लगेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। यहाँ पे मैं घर पे आ चुका हूँ, एंड आप सबसे पहले इनका मेकअप देखें, एंड आप मेरा मेकअप देखो, क्या दोनों का, हम दोनों का मेकअप बिल्कुल सेम लग रहा है। मुझे कहीं से कहीं तक हमारा मेकअप सेम नहीं लग रहा है। लिपस्टिक वगैरह भी पता है बिल्कुल सेम नहीं है, उनकी लिपस्टिक कैसी है, मेरा लिपस्टिक का कलर कैसा है। एंड लिपस्टिक भी पता है, उन्होंने बोला कि मैट लिपस्टिक है, बिल्कुल हटेगी नहीं। और आप देख सकते हो कि लिपस्टिक ट्रांसफ़र हो रही है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ना। एंड उन्होंने मेरे ब्लश वगैरह भी देखो कितना ज़्यादा लगाया, कि जो मेरा पूरा बेस है ना बहुत ज़्यादा केकी सा लग रहा है ना। उन्होंने मेरे कॉन्टोर किया ना, उन्होंने कोई कंसीलर वगैरह लगाया है, आई शेडो जो उन्होंने लगा रखा है कलर वो भी नहीं। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, वाहियात लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को ना आई मेकअप तक बिल्कुल ठीक लग रहा था कि मे बी देखो आई मेकअप कर रहे तो आगे का बिल्कुल ठीक होगा, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बेस बिल्कुल अच्छा निकाला, लिपस्टिक भी मेरे दांतों में लग रही है, आईलैशेस भी। मैंने उनको सही से बताया कि दीदी ऐसे करके लगाओ। मैं 1000 रुपीज़ दे के आई हूँ गाइस इस मेकअप के, क्या मैंने सही क्या 1000 रुपये दे के इस मेकअप का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सच में मेरी हकीकत में हल्दी होती तो आज तो मुझे देख के सब लोग पागल हो जाते, भाग जाते छोड़ के, यार पूरे मोहल्ले में चर्चे होते मेरे तो आज। आप लोग बताओ कि कहाँ लग रहा है क्या सेम या नहीं, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताना। सो चलो जानो, मैं बस इस वीडियो को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो, ये मेकअप लुक आपकी डिमांड पे वीडियो, आई होप आप सबको बहुत पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईडी भी यहाँ शो हो रही होगी, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। सो चलो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में, कल की वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना। कल जाएंगे हम अपना ब्राइडल मेकअप कराने, सो देखते कि वो ब्राइडल मेकअप कैसा करती हैं। सो या जानो कल मिलेंगे, ओके बाय, लव यू अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, एंड फैले दिन गाजों को भी दुआओं में याद रखना, ओके बाय, लव यू अल्लाह हाफिज़।